हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर फिजिक्स में जो है सेट संख्या 346 बीएस का ऑप्शन हमें बता दीजिए क्वेश्चन नंबर एक का, तो बिल्कुल लेकर के आ चुके हैं। आप सभी मिला लीजिएगा फटाफट एक बार। आप सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो बच्चे टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, फटाफट जुड़ जाइए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास उस सभी का लिंक आपको मिलती रहे। और केमिस्ट्री के लिए सब बच्चों आप सभी तैयार रहेगा, बैक टू बैक वीडियोज लेकर के आने वाले हैं और सभी केमिस्ट्री में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों को तैयारी यहाँ पर करनी है, तो तैयार आप सभी स्टूडेंट अच्छे से रहिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आप सभी मिला लीजिएगा। खंड अ है आपका, सेक्शन फर्स्ट है। पहला कहता है चांदी का पैरा वैद्युतांक आपसे पूछा है के, तो ध्यान सुनेगा, चांदी का ही नहीं जितने भी धातु होते हैं, ठीक है, सबका पैरा वैद्युतांक क्या होता है? अनंत होता है। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर चांदी बोल करके नाम दिया हुआ है, तो धातु का पैरा वैद्युतांक हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। तो आपका इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, के इक्वल टू इनफाइनाइट यानी अनंत। ख ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया, यह परिपथ है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा सही हो जाएगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक इसका राइट आंसर होगा। इसका ख है दोस्तों कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान जो है समान हो, तो इसका जो राइट आंसर बच्चों होगा वो 1.5 यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घ में एक समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पर क्यू का मान कहता है कि क्यू व्यक्त करता है, तो दोस्तों ये क्यू जो है नाभिकीय संलयन को व्यक्त करता है, ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके दोस्तों अंग है अल्फा का, सॉरी अंग है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है, तो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों हैं, बसता कौन है? अल्फा कण है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या है बच्चों की आर प्रतिरोध, आर प्रेरकत्व, यल संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े गए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति यन तथा अनुनादी आवृत्ति यन आर किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी? चौथा ऑप्शन आपका बच्चों से हो जाएगा, यन ग्रेटर देन यन आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी मिला लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप सभी ने किया होगा। बाकी ये क्वेश्चन अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो कोई विशेषताएं पूछा था, दैनिक तरंग से क्या तात्पर्य, ये आपसे अपवर्तनांक से क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हेनरी प्रेरकत्व को परिभाषित करने के लिए। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवाए थे, उम्मीद आप सभी ने किए भी होंगे अच्छे से। ओमी अनोमी बिल्कुल हमने बताया था यहाँ पर, और थोड़ा सा हम चल लेते हैं दीर्घ में, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा आरेख खींचना इस तरह हमने इंपॉर्टेंट बताया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य, विद्युत चुंबकीय फैराडे का नियम, ये भी हमने आपको इंपॉर्टेंट में कराए थे, बताए थे। तरंगार के लिए हमने भी बताया था कि ये आपको हाइगेंस में एक आपको पूछा जाता है, ये पूछा गया था। एलईडी के लिए हमने इंपॉर्टेंट आप सभी को बताया था कि एलईडी आपसे पूछा जा सकता है, उम्मीद है कि आप सभी ने इसको भी किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी ने क्वेश्चन को किया होगा। बाकी जो भी है आप इस पर आपको चिंता व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आने वाले समय की केमिस्ट्री की तैयारी में एकदम अच्छे से जुड़ जाइए आप सभी, और बहुत ही जल्द सभी केमिस्ट्री का सभी वीडियोस लेकर के बैक टू बैक लेकर के आ रहे हैं, और केमिस्ट्री में जो बताएंगे वो आप सभी तैयार जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।